हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलाने जा रहा हूँ जिनको पढ़ाई के फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से कम उनको 6-7 साल ट्यूशन पढ़ाते हुए हो गए। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने मैक्सिमम हर एक स्टेट के बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड की है, ठीक है। तो चलो वीडियो के साथ जुड़े रहना, मिलाते हैं उनके साथ आपको और पता करते हैं कि हमारे जम्मू के स्टूडेंट्स के बीच में और अदर स्टेट के स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी कमियां हैं जो बच्चों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, तो आपको मिलाते हैं सुनील सिंह बारिश जी के साथ। बताया था तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले इंट्रोडक्शन में कि मैं आज आपको सुनील सिंह बारिश जी के साथ मिलाने जा रहा हूँ। तो सुनील जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, तो आप भी उनके आंसर देने की कोशिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से रूबरू होने का। और रही क्वेश्चन की बात, तो इनके और कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जो उम्मीदें लेकर आप मेरे पास आए हो उसका मैं पूरी तरह से एक सहयोग दे पाऊंगा। क्या क्या आप आंसर हमें क्वेश्चन हमें पूछते हैं तो पूछ सकते हैं आप मुझे क्वेश्चन। कोशिश करूंगा मैं कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊंगा। तो सर, मेरा पहला आपके साथ आपके सामने ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपको ट्यूशन के फील्ड में मेरे हिसाब से 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने कर्नाटका के बच्चों को भी ट्यूशन प्रोवाइड की है, अपने दिल्ली के बच्चे भी आपके पास पढ़ने आते थे, जम्मू के भी हैं, तो अदर स्टेट्स बहुत सारी ऐसे 5-6 स्टेट्स हैं जहाँ के बच्चे आपके पास पढ़ने आते थे। तो आपको ऐसा क्या चीज़ लगी, आपको ऐसी क्या चीज़ देखने में मिली कि जो हमारे जम्मू के बच्चों में अलग है और अदर स्टेट के बच्चों में अलग है? जयपाल जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने आपने आप जो क्वेश्चन पूछे कि मैं उसका आंसर बहुत ही बच्चों को भी ट्यूशन प्रोवाइड की है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मैंने कम से कम 10-15 स्टेट के बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड किया। जो आर्मी के बच्चे जहाँ पे आते थे उनको मैं ट्यूशन प्रोवाइड करता था। मुझे कम से कम 7 साल हो चुके हैं ट्यूशन पढ़ाते हुए, मतलब जो परमानेंट ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो ट्यूशन की बात कीजिए, आपने 12th मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी, तो उसका भी कोई रीज़न था। बट अगर मैं बच्चों के डिफरेंस की बात करूँ तो बाहर के बच्चों के और जहाँ के बच्चों का कम से कम 60-40 का डिफरेंस है। अगर वहाँ के बच्चे 60% इंटेलिजेंट होंगे, मैं इंटेलिजेंट तो सभी मैं नहीं कहूँगा कि वो इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट नहीं, बट 60% अगर वो मेहनत करते हैं और 60% उनको नॉलेज है और 40% इनको है। और जैसे कि मैंने अभी देखा कि कुछ मीडिया पे क्लिप्स वगैरह आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप्स आते हैं कि हमारे जम्मू के बच्चे कम नहीं, मतलब ये चीज़ें आपको सुनने को हर टाइम पर मिलती रहती हैं कि जहाँ के हमारे जम्मू के बच्चे किसी से कम नहीं, हम पूरे देश से मुकाबला कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे कम्पीट कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बट जो लोग ये कहते ना, वो लोग प्रॉपर जम्मू के होंगे, प्रॉपर श्रीनगर के होंगे या शहरों के होंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा, जैसे जयपाल जी आपने देखा होगा आप भी गाँव में रहते हैं, ठीक है, मैं भी वहाँ पर आया हूँ, ठीक है, तो मैं ये भी वहाँ पर देख के आया हूँ कि अगर देखा जाए शहर के और गाँव के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी जहाँ पढ़ाता हूँ यूके एलकेजी वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनको भी पढ़ा चुका हूँ, तो उनको अभी जहाँ पे जो हमारी शेप्स होती हैं, नॉर्मल हम शेप्स की एग्जांपल लेते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर एंगल, जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, ये छोटी छोटी जो शेप्स होती हैं, जहाँ यूकेजी या एलकेजी बच्चों को आपने आज जब पहले मुझे पढ़ाते हुए देखा होगा कि हम कितने कितने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और जबकि मैं गांव में पढ़ाने के लिए गया था एक बार, 2 महीने के लिए मैंने वहाँ पे पढ़ाया बच्चों को, वहाँ पे देखा वहाँ 10th के बच्चों को प्लस माइनस करना भी नहीं आता। मतलब जे मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ कि एक इंसल्ट कर रहा हूँ कि उनको नहीं आता है, जी मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा। और जे भी रीज़न तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, या तो पेरेंट्स की कमी रहती है, टीचर्स की कमी रहती है, या स्टाफ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी वजह से भी उनको कमी रही हो, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आपके क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है कि बाहर के स्टेट के जो बच्चे और जहाँ के स्टेट के बच्चों में क्या डिफरेंस है। जहाँ के लोग हैं जो, वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश पूरी तरह से करते हैं, बट वो क्या करते हैं कि वो कम्पीट पहले के उनमें माइंड में एक माइंड सेट बैठ चुका है कि हमें कंपटीशन करना है जम्मू कश्मीर के बच्चों को, और वो जो नॉलेज देते हैं वो सिर्फ बुकिश नॉलेज देते हैं।
ठीक है, वो आप उनको सिर्फ बुकिश नॉलेज देंगे, किताबें पढ़ो, मार्क्स लो, ये करो, लेकिन बाहर के बच्चों को देखेंगे आप लोग की जो एट्थ क्लास का बच्चा पढ़ रहा होगा, वो पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर सीख रहा होगा, वो पढ़ाई के साथ साथ एबेकस की क्लासेज ज्वाइन कर रहा होगा जिसमें मैथ स्ट्रांग होता है, स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग ले रहा होगा, मतलब ये सारी जो उनके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप लोगों को पता है कि एजुकेशन डज नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनलिटी ऑफ इंडिविजुअल होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दिल्ली के बच्चों को मैंने पढ़ाया, काफ़ी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट थे वो बच्चे, और उनमें कोई एक होता ना कि कॉन्फिडेंस था या एक डर होता है, उनमें कुछ किसी तरह का मुझे डर नहीं दिखा। और जहाँ के बच्चे कुछ टीचरों को पूछने के लिए वैसे जिसकाते हैं कि हम ये पूछ लेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे की मेंटल एबिलिटी को स्ट्रांग करना है तो उसके माइंड में जो डर आता है किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए उसको दूर भगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को किसी तरह का भी डर नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या होगा, नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा। बच्चों को बच्चे गलत करेंगे तो सीखेंगे ना, अगर गलत नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे, उनको गलत करने दो, कोई चक्कर नहीं, गलत करने दो, गलत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मैं आपको फाइनली बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कंपटीशन कर सकते हैं लेकिन कुछ सालों तक बहुत मुश्किल हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को कंपटीशन करने के लिए बाहर की स्टेट के बच्चों के साथ। जी मैं कहता हूँ, इस कहने को तो हम कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे कम नहीं हैं, लेकिन अगर मैं पूरी सिस्टम के साथ बताऊँ जितना मैंने आज तक जज किया हुआ है, ठीक है, तो अभी कुछ सालों तक बहुत मुश्किल है यहाँ के बच्चों को उन बच्चों से कंपटीशन करने के लिए। ये साथ ही मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो आपने बता दिया कि जम्मू कश्मीर अपनी जो जम्मू स्टेट है और अदर स्टेट के साथ बच्चों का आपने कंपेयर किया, अभी आपने देखा होगा कि बैकवर्ड एरिया जैसे बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ तक पूरी एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मानो कि अगर कहीं आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं अपने एरिया की एग्जांपल नहीं लूँगा, कोई भी आप बैकवर्ड एरिया ले लो, तो वहाँ तक तो मेरे को लगता है पूरा स्टाफ भी अपने हफ्ता पूरा ड्यूटी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उधर के बच्चों के साथ और अपने इधर सिटी के बच्चों के में उस चीज़ का कैसे कंपेयर करेंगे आप, और उन चीज उसमें क्या किस तरह से सुझाव लाया जा सकता है? देखो, कहने को तो कहते हैं कि सिटी के बच्चे गांव के बच्चे बच्चे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस ऐसे तो देखने में नहीं होता, ठीक है, या फिजिकली डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस मैं उस चीज़ के कहता हूँ कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हम कैसे नहीं कह सकते पढ़ाई में डिफरेंस होगा? आप मान के चलो कि गाँव का बच्चा है, उसको 2 घंटे या 3 घंटे का पैदल रास्ता तय करके जाना पड़ता है, और सिटी के बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी आएगी, उठा के चले जाएंगे और फिर वापस गाड़ी वहीं पे छोड़ देगी, पूरी फैसिलिटी मिलेगी उनको पढ़ने के लिए, और उनको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिया जाता है। आप लोग पता होगा आपको कैसे स्कूलों शहर के स्कूलों में पढ़ाई होती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, हर चीज़ का नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि मैं पिछली बार एक इसके बच्चों को पढ़ा रहा था, उनको एक वो करवाया था ग्रेविटी के बारे में, बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, उनको पूरा सिस्टम के साथ बताया था। अब गांव के बच्चों को, और गांव के बच्चे जब पेपर देने जाएंगे, सिटी के बच्चे पेपर देने, वहाँ पे तो ना लिखा होगा कि ये गांव के बच्चे हैं, इनके लिए स्पेशल कोटा होगा, ऐसे लिखा होगा? नहीं होगा। उनको भी तो मुकाबला करना है ना, या तो उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए और या फिर उनके लिए स्पेशल कोटा रखा जाए। RBA की 10% सीटें दी जाती हैं, तो RBA की 10% सीटों से कुछ नहीं बनता, बिकॉज जो बंदा ग्रेजुएशन MA कर रहा है उधर से जहाँ पे आकर उनको खुद खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, कपड़े खुद धोने, खाना खुद बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेहनत करके पैसा कमा के पढ़ाई करते हैं, और फिर भी उन बच्चों को कंपटीशन किससे करना पड़ा, उन बच्चों से कंपटीशन करना पड़ रहा है जो बेड पे बैठ के उनको पढ़ना होता है, खाना वहीं मिल रहा है, कपड़े धोए हुए मिल रहे हैं, पैसे की कोई फिक्र नहीं होती। जैसे आप लोग, आपने भी ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जो रियलाइज हुआ होगा कि पहले ग्रेजुएशन तक चलो थोड़ा बहुत घर से खर्चा मिल जाता था, जब आपने भी मेहनत की और उसके बाद ग्रेजुएशन की, अब मुझे ये बताओ कि अब अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका कसूर थोड़ा ना, क्योंकि आपको जितना आप एफर्ट्स डाल सकते थे आपने डाले, ठीक है, अब अफसोस उनको भी होगा। या तो उनके लिए वैसी ही फैसिलिटी दी जाए जैसी शहर में, या फिर उनके लिए स्पेशल कोटा रखा जाए, या उनके लिए कंपटीशन गांव के लेवल का ही होना चाहिए। जैसे RET पोस्ट निकलती थी पहले, तो तब वो कोई ज़्यादा नहीं था कि RET पोस्ट कोई बुरी बात, क्योंकि उनका लेवल उतना था, वो कर सकते थे, ठीक है। अब जहाँ डिस्ट्रिक्ट तक भी हमें ये था कि डिस्ट्रिक्ट तक हर कोई कर लेता है, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरह से कम्पीट करना, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु अपीयर्स इन JKSSB एग्जाम। तो सर, इसी के साथ मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, एक क्वेश्चन आपके साथ, तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है सर, इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है कि आप ऐसे एक गाँव के बच्चे को ज़्यादा नहीं लेकिन वो एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए? अगर वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता है तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन होता है, वो क्या चीज़ है, उसके लिए क्या रास्ता होगा कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन किस फील्ड में जाए, किस फील्ड में जाकर वो अपने परिवार को संभाले, अपने लिए अपना अगला लाइफ सेटल करना जो भी सिस्टम है, तो अपने लिए वो कोई रास्ता निकाल पाए? देखो, आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में
हम अपने गांव की बात नहीं करेंगे लेकिन एग्जांपल अपने घर से ही लेके चलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी मोंगरी तहसील में कई किलोमीटर बच्चे पैदल चल के स्कूल तक पहुँचते हैं, स्कूल तक पहुँचने के बाद भी उनको प्रॉपर पीरियड भी नहीं लगते उनके प्रॉपर, मेरे हिसाब से जहाँ तक, तो मैंने खुद उधर से 12th पास की हुई है, तो मेरे को तो कई बार ऐसा होता था कि अपने देखो एक हफ्ता होता है पूरा, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, उसमें से 3 या 4 दिन ही जहाँ मानो कि उधमपुर के किसी टीचर की ड्यूटी लगी हुई है हमारे गांव में, तो वो 3 दिन ही अटेंडेंस देगा। तो ये किस चीज़ की कमजोरी है हमारे गांव के पंच सरपंच की कमजोरी है, या कोई या प्रिंसिपल को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, या क्या इस चीज़ पे आप क्या सलाह देंगे? देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जहाँ से टीचर लगवाए गए वहाँ पे अच्छी बात है, लगवाए हुए पढ़े लिखे बेचारे लगवाए गए, ठीक है, पर जा तो उनको प्रॉपर वहाँ ड्यूटी देनी चाहिए। अगर वो ड्यूटी नहीं दे सकते तो नौकरी छोड़ दें उनको, अगर शहर में ही नौकरी करनी है तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी क्यों करनी है, उधर करनी भी उधर ही नौकरी है, तो फिर आना भी नहीं है पूरे दिन, तो क्या है। जहाँ बच्चे PhD करके, MPhil करके, MA करके, MSc करके जहाँ बैठे हुए बच्चे, और मेरे को नेट सेट सब कुछ करके बैठे हुए हैं, और वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, और नौकरी वो कर रहे हैं जो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। अगर कोई मेहनत करके, कोई मेहनत करके और पढ़ पढ़ के जैसे PhD MPhil करके जैसे हम अभी जैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन अगर इतनी मेहनत करके फिर अगर नौकरी करता ना, वो नौकरी की कदर करता, ठीक है। डायरेक्टली नौकरी लगने से उसको कोई कदर नहीं होगी, या तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इसके ऊपर के जो प्रिंसिपल मेन चीज आती है प्रिंसिपल की। अब जो दमनोद स्कूल है या जो भी हमारे वहाँ के मोंगरी स्कूल है, दमनोद स्कूल है, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ के जो लोग हैं, पंच सरपंच जो भी लोग हैं, उनको चेक करना चाहिए कि प्रिंसिपल स्कूल में आया है या नहीं आया। अगर प्रिंसिपल आएगा श्योरली आई विल से दैट कि टीचर विल कम देयर, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे टीचर आएंगे। प्रिंसिपल नहीं होगा तो टीचर बहुत कम आते हैं। अगर प्रिंसिपल वहाँ, मुझे दमनोद स्कूल में प्रिंसिपल कभी नहीं दिखा। मैं सिंपल अपनी बात, आता होगा वह नहीं कहता नहीं आता, महीने के 2-4 दिन आता होगा, लेकिन जे कौन सा महीने के 2-4 दिन आने वाली बात है, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल है ड्यूटी वहाँ से पैसा वहाँ से खा रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या है कि आने में क्या है उसको, उसको डेली आना चाहिए वहाँ पे। और जितने मेरे को सर ये नहीं लगता है दमनोद स्कूल की बात नहीं, मेरे को हर स्कूल क्यों ऐसा होता क्यों, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, देख मुद्दे पे आते हैं, मैं सिंपल यही बात बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों, क्योंकि जहाँ के लोगों को भी पता है कि गांव के लोग बोलेंगे नहीं, आएंगे चुपचाप जहाँ खड़े होंगे और वहाँ पे खड़े होकर बोलें नॉर्मल बात करेंगे, फिर कोई पूछेगा ही नहीं उनको, मतलब वो भी हमें क्या करते हैं एज अ वोटर यूज़ करते हैं, जो जहाँ के जो नेता लोग होते हैं वो वोटर यूज़ करते हैं, वो नहीं जो चाहते कि वहाँ की कोई तरक्की हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, वो जो चाहते हैं कि इनको लॉलीपॉप दिया जाएगा जे खुश हो जाएंगे, और वहाँ पे उनको जी नहीं कोई बोलने वाला भी होगा नहीं होगा उनको कोई नहीं है, क्योंकि गांव के लोग होते हैं शरीफ सादे से होते हैं, ठीक है, उनकी यही होता है कि उनको उनके सिर पे हाथ फेरा बस कहानी खत्म, बाकी कोई नहीं पूछेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। या तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ठीक है, जो PTM होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो होनी चाहिए वहाँ पे, महीने में एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, कितना बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है वो होना चाहिए। या प्राइवेट स्कूलों में जहाँ में होती है PTM होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, प्राइवेट हर स्कूल में PTM होती है, जो दिन को पढ़ाया होता है वो शाम को फोन पे आ जाता है कि आज के बाप के बच्चे को जो पढ़ाया हुआ है। अब दिल्ली के बच्चे जैसे मैंने पिछली बार वीडियो देखी थी कि वहाँ पे स्कूलों में भी कैमरे लगे हुए हैं, पेरेंट्स घर से देख सकते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो घर से देख सकते हैं हमारा बच्चा कौन से डेस्क पे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। अब मेरे को बताइए उनके लिए वहाँ पे स्विमिंग का पूरा वो रखा हुआ है, फैसिलिटी रखी हुई है वहाँ पे, उनको म्यूज़िक के लिए पूरी फैसिलिटी रखी हुई है, उनको खेलने के लिए पूरी फैसिलिटी रखी गई है। अगर मान के चलो कि वो फैसिलिटियाँ हमारे बच्चों को ना मिलेगी और कंपटीशन में उनसे ही करवाना है, तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन हो पाएगा। ये तो फिर कहने की बात हो कि रलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिट्टी में मिलते रहेंगे, बाद में जाके कोई उधर दिहाड़ियाँ लगाने शुरू हो जाए। ये गांव के बच्चे से दिहाड़ी लगाने के लिए रखते हैं, सिंपल सी बात है, शहर के लोग यही चाहते हैं कि दिहाड़ियाँ लगाते रहें, बस कहने की ये बात होती है, और लीडर सिर्फ अपना दिखावा दिखाते हैं और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका भी समय नहीं लूँगा। तो जैसे हमने बात की कि अभी देखो जो मैक्सिमम बच्चियाँ ग्रेजुएशन करने के बाद, मैं कल एक अपने फ्रेंड्स का इंटरव्यू देख रहा था, तो उनने ऐसे ये बात बोल ली थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैक्सिमम बच्चे दिहाड़ी लगाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दिहाड़ी लगाना एक मजबूरी है उनकी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका इनकम सोर्स इतना नहीं होता है कि वो फैमिली वो हमें खींच के ग्रेजुएशन करवा सकते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से अपने पेट को काट काट के, पेट को काट काटने का मतलब सही में नहीं काटते हैं, पेट को काटने का मतलब होगा कि जहाँ पे उनको 10 रुपये खर्च करते हैं वहाँ 2-3 रुपये खर्च के गुजारा करते हैं, ठीक है, जिन 2 टाइम की रोटी खाने के बजाय वो 1 टाइम की रोटी खा के हमें पढ़ाते हैं, और आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं या वो काम नहीं कर सकते हैं, हम दिहाड़ियाँ नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये बताइए। दिहाड़ियाँ तो हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हम बाकी लड़ सकते हैं,
लेकिन पेरेंट्स को दुखी तो नहीं देख सकते हैं कि पेरेंट्स को हम सोचेंगे कि पेरेंट्स हम अपनी जैसी मारते हैं जहाँ पे अपना टाइम पास करते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास इतना नहीं होता कि हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी होगी, उनके उनसे गुजारा कर लेंगे। हमें घर खुद बनाना है, हमें शादी खुद करनी पड़ती है, हमें पढ़ाई का खर्चा खुद करना है। तो हमें ये बताइए कि पढ़ने के साथ साथ इतनी जिम्मेदारी हमें घर को खुद चलाना होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, जहाँ जितनी पढ़ाई करनी होती है हमें खुद चलाना होता है ये सब। आप क्या सोचते हैं कि घर वाले जो पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं वो भी हमें पूरा करना होता है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमें गाँव के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए रखा हुआ है, और बाकी जो बच्चे गाँव के हैं वो कंपटीशन शहर के बच्चों के साथ करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, आज भी और कुछ समय बाद भी। मैं सिर्फ यही एक फाइनली यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई सुनेगा वीडियो को या कोई जो भी देखेगा इसको, मैं यही कहना चाहता हूँ कि या तो शहर वाली फैसिलिटी, अगर कंपटीशन करवाना है तो शहर वाली फैसिलिटी गाँव के बच्चों को भी दी जाए, मैं कहता हूँ कि दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो फिर ये सब उनके साथ अत्याचार नहीं किया जाए, क्योंकि ये तो ऐसा होगा ना कि ना मरने के लिए छोड़े ना जिंदा रहने के लिए छोड़े। हमें ये कहा जाता है कि आपको जिंदा रखा है ये भी एहसान मान लो, ठीक है, सिर्फ जिंदा रखा है ये एहसान है हमारे लिए, बाकी कोई एहसान नहीं रखा हुआ। मुझे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई करना चाहता है तो ये सब किया जाए कि जो शहर में जो फैसिलिटी दी जाती है वो गाँव के बच्चों को भी फैसिलिटी दी जाए। शहर के लिए लेबॉरेटरी होती है, अभी मैं तो कुछ देर बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव में एक चक्कर लगाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा और वहाँ पे मैं ये देखूंगा कि लेबॉरेटरी जो होती है शहर के बच्चों के लिए क्या वहाँ पे है, लाइब्रेरी होती है वहाँ पे है, बैठने के लिए आपने ये भी देखा हो गांव में कि बच्चे धूप में बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्या करेंगे पढ़ाई, पीने के लिए उनको पानी पीने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है उनको, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है, बैठने की फैसिलिटी नहीं होती है, प्रॉपर बुक्स नहीं मिलती हैं उनको, लाइब्रेरी लेबॉरेटरी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मेरे को ये बताइए किस तरह से कंपटीशन करेंगे? पहले शहर की फैसिलिटी जो सी है वैसे गांव के बच्चों को दी जाए, तब कंपटीशन करवाइए, अदरवाइज ऐसे कंपटीशन करवाने का मतलब ये है कि हमारे जीती जी को मारने के बराबर। तो मैं सुनील जी का नंबर आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर जो कोई वो फैमिली का बैकग्राउंड देख के उनका क्राइटेरिया देख के वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ये इनका मैं प्रॉपर एड्रेस भी बता दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ बात कर लेना, अपने उधमपुर के जो भी कोई बच्चे हैं या कोई गाँव से बच्चा कोई पढ़ना चाहता है इनके पास आके तो ज़रूर इनके साथ कॉन्टैक्ट करें। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर न्यू आए जुड़े हुए चैनल के साथ। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए